इतना दिन आएगा उस दिन किताबें पढ़नी है, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी. मैं युवराज मलिक, डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है. हमारा मुख्य मैंडेट है लोगों के बीच बुक रीडिंग की हैबिट को प्रमोट करना और देश में एक बुक कल्चर को प्रमोट करना. उसके तहत इस दौर में जब कोरोना पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती के तौर पे आया है, तो इस चुनौती को हमने भी अपने तौर पर लिया और लोगों के बीच हमने 100 से ज्यादा किताबें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड की हैं, जिनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग आयु वर्ग के लिए और अलग अलग सामाजिक परिवेश से जुड़े हुए लोगों के लिए हमने चुना और उनको फ्री अपलोड किया, जिसका फायदा सक्रिय दर्शक लोग, हमारे श्रोतागण उठा सकते हैं, अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं. किताबों की एक अपनी अलग दुनिया है, तो हम चाहेंगे कि आप इस किताबों की दुनिया में आपका स्वागत है, आप आए और किताबों का आनंद उठाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इससे अच्छा माध्यम शायद दुनिया में और कोई नहीं है. क्या बात है, बहुत प्यारी सी आपने बात कही और हम भी ये कहते हैं कि किताबें आपकी तन्हाई की बहुत ही प्यारी सी दोस्त होती है ना जी. और अच्छी किताबें पढ़ने से मेंटल लेवल भी आपका बहुत अच्छा होता है और हम सोचते भी कि हमें कुछ पढ़ना है, कुछ बेहतर करना है. और ये जो ऑनलाइन आपने बुक्स अपलोड की है, ये हमारे जितने श्रोता है सभी ले सकते हैं और उसे पढ़ भी सकते हैं आराम से, है ना? जी बिल्कुल, फ्री ऑफ कॉस्ट है और हम और भी किताबें लेकर आ रहे हैं. nbtindia.gov.in पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने को मिलेगा. सबसे अच्छी बात, बच्चों के लिए भी उसमें इलस्ट्रेशन, यानी जैसे हम कॉमिक्स के तौर पर किताबें पढ़ते हैं, बहुत लाइट रीडिंग के तौर पर हमने इन्हें लोगों के बीच पेश किया है. और एक बड़ी अच्छी सी कहावत है कि वन बुक कैन चेंज योर लाइफ. हम चाहेंगे कि आप वो इन दिनों में, वो 21 दिनों में वो किताब जरूर चुने और पढ़ें जिससे आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आए. और किताबें पढ़ना एक इमोशनल एम्पावरमेंट तो है, इसके अलावा आपको इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट भी किताबों के जरिए हासिल हो सकता है. तो इस सॉलिट्यूड के दौर में सॉलिट्यूड कैन डिसाइड योर एल्टीट्यूड, मैं तो यही कहना चाहूंगा. बिल्कुल सही कहा आपने. और आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं ज्यादातर युवराज जी? मेरा पर्सनल चॉइस हमेशा बायोग्राफीज को रहेगा. मैं इसलिए मानता हूँ कि बायोग्राफी मेरे लिए तो 300 पेजों की 600 पेज की किताब हो सकती है जी. पर शायद किसी व्यक्ति का 50-60-70 सालों का वो जीवन संग्रह है. हमारे पास इतना समय नहीं है हम उतनी गलतियां करें और दोबारा से रिपीट करें, तो दूसरों के अनुभव से हम सीखें और उनके जीवन में अपने आप को कुछ समय के लिए लेके जाएं और महसूस करें उन्होंने जीवन को कैसे जिया और हम कैसे जी सकते. अभी किन के गीत के बारे में पढ़ा हाल में? जैसे अभी तो हो गए 7 दिन आपको लगभग, तो कोई खास, कोई विशेष किताब जो आपने पढ़ी हो जी? मैं अटल जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा. पढ़ रहा था और बीच बीच में अलग अलग साहित्य को बदल बदल के पढ़ते रहते हैं. अभी चूंकि ये समय ऐसा है जिसमें आपको रूटीन रखना बहुत जरूरी है, तो एक गोविंद शर्मा का 5 AM क्लब मैंने पढ़ा, अच्छा लगा कि आप अपना रूटीन किस प्रकार से रखते हैं और बैलेंस लाइफ में कितना जरूरी है. जी, ऐसा नहीं है कि आप घर पे हैं तो आपकी कोई रूटीन नहीं, जब जो मन किया कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. एक रूटीन जो है लाइफ में ये बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसे कहीं ना कहीं हर चीज का समय आप बांध दीजिए. इस समय हम ये करेंगे, इस समय ये करेंगे. वैसे ही पुस्तकों के लिए भी कहीं ना कहीं समय जरूर होना चाहिए, है ना? बिल्कुल, निश्चित रूप से जी. कोई खास बात चलते चलते कहना चाहे हमारे? मैं यही कहना चाहूंगा, कोरोना का जो दुष्प्रभाव है इसको चुनौती के तौर पर लें, इससे ना डरें और जो हमारे लिए सरकार ने हिदायतें दी हैं, एडवाइजरी इशू की हैं, उनका पालन करें और हम, ये कोरोना तो नहीं रहेगा लेकिन इसके बाद जो दुष्प्रभाव आने वाले हैं उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम एक कोरोना स्टडी सीरीज लेकर आ रहे हैं जी. जिसके अंदर हमने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट, काउंसलर को लिया है और उनकी मदद से हम कुछ एडवाइजरीज और ई बुकलेट्स जल्दी ही लेके आएंगे जिन्हें आप पढ़ें और देखें. हमें आपका सहयोग चाहिए कि आप उसमें जो क्वेश्चनेयर हैं, जो सवाल है कि आप इस कोरोना के दौरान कैसा फील कर रहे हैं अलग अलग पक्ष में, चाहे आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिला हैं या कोरोना वॉरियर हैं, तो उस क्वेश्चनेयर को आप हमारी साइट पे जा सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं. वो हमें एक सैंपल को बड़ा करने में और हमारी स्टडी और रिसर्च को अच्छा करने में मदद देगा, ताकि जो लिटरेचर और साहित्य, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट हम लाने वाले हैं उसमें हम बहुत एक्यूरेसी के साथ और सभी लोगों के लिए एक ऐसी लिटरेचर तैयार करें जिससे लोगों को इससे बाहर आने में मौका मिले. और दूसरा निवेदन मेरा आप सभी से यह है कि कोरोना एक नेगेटिव ही नहीं, एक पॉजिटिव चीज भी है जिसको हमें इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए. आपकी जीवन की जो पॉजिटिव स्टोरीज हैं, चाहे वो आप कविता के जरिए, आर्टिकल के जरिए, ब्लॉग के जरिए, बुक के जरिए आप हमें स्क्रिप्ट भेज सकते हैं और हम नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से उसको पब्लिश करने का प्रयास करेंगे. चलिए, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा सा ऑप्शन हो गया श्रोताओं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपसे कहना चाहेंगे युवराज मलिक जी. आप हमारे साथ जुड़े, डायरेक्टर नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए. थैंक यू युवराज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद.